नमस्कार, इंडिया राउंड में आपका स्वागत है। ब्रीफिंग में प्रयागराज। प्रयागराज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों पर फिर चला सुपर कार। आईपीएस का हंटर एसएसपी अतुल शर्मा के अपराध मुक्त प्रयागराज अभियान को फिर मिली बड़ी सफलता। आधा दर्जन इनामी अपराधी हुए गिरफ्तार। 50 लाख की अवैध शराब की हुई बरामद। आईपीएस के नेतृत्व में पुलिस का हौसला हुआ बुलंद। अपराधियों में मचा हड़कंप। थाना करचना दिनांक 6/6/2019 को थाना करचना पुलिस द्वारा मुआयना संख्या 206/19 धारा 34 302 भाग 25,000 के पुरस्कार घोषित दो वंचित अपराधियों को गिरफ्तार। दूसरा प्रकरण थाना करचना क्षेत्र का है, जिसमें क्राइम नंबर 206/19 सभी करीब एक सप्ताह पहले अखिलेश यादव नामक एक लड़के की हत्या की गई थी, जिसमें 4 लोग नामजद हुए थे, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनमें पूर्व से ही 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, राम बाबू यादव और नेपू यादव, दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त थाना सिविल लाइन्स का एक प्रकरण था, जो 2018 में एक छात्र नेता पर गोली चलाई गई थी, जिसका अभियुक्त अपराधी विवेक सिंह उर्फ बागी पुत्र प्रभाकर यादव, जो मूल रूप से जनपद बलिया का रहने वाला था, आज इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर 20,000 रुपये का पुरस्कार पूर्व से घोषित था। इसके अलावा एक 25,000 रुपये का इनामी अपराधी जो बलात्कार का अभियुक्त था, वीरचंद यादव, जो थाना सराय ममरेश क्षेत्र से संबंधित है, इसको भी आज गिरफ्तार किया गया है। इस पर भी पूर्व से 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। इससे अतिरिक्त एक बहुत बड़ी सफलता यमुना पार थाना क्षेत्र के मेजा थाना में एक प्राप्त हुई है, जिसमें आज रात्रि में एक बड़ा ट्रक जिसमें करीब 910 पेटी शराब, कुल लगभग 43,000 बॉटल शराब उसमें रखी थी, जिसको थाना मेजा की पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और इसमें जो शराब की कीमत हो लगभग 26 लाख रुपए आकी गई है, और इसमें एक 16 टायरा ट्रक है जो बिल्कुल नई स्थिति में है, उसकी भी कीमत लगभग 25 लाख आकी गई है। इसके अलावा एक हेक्सा लग्जरी कार जो इस सप्लाई के काम में यूज़ की जा रही थी, उसको भी बरामद किया गया, उसके अंदर से भी 18 पेटी शराब बरामद की गई है। इस कार की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इस प्रकार से लगभग 66,21,000 रुपए माल की बरामदगी थाना मेजा पुलिस द्वारा की गई है, और इस कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार थाना मेजा की टीम को दिया गया है। यह एक सराहनीय कार था। इसका जो मुख्य अभियुक्त वीरेंद्र शुक्ला उर्फ जज्जे अभी फरार है, जो थाना मेजा का हिस्ट्री शूटर है, इसकी गिरफ्तारी और इसके अन्य साथी जो भागने में कामयाबी, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इसे गिरफ्तार किया।